एवरीवन, वेलकम टू पेप कोडिंग। तो आज जो क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है kth लार्जेस्ट एलिमेंट इन ट्री। तो हम लोग जेनरिक ट्री का ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले मैं एक जेनरिक ट्री बना के आपको समझा देती हूँ कि इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है और फिर हम इसका सोल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। मैं इतना ही ट्री बनाऊंगी। हम लोगों को सपोज एक वैल्यू दी जाती है के की, हमें बताना है वो एलिमेंट ट्री का जो kth लार्जेस्ट एलिमेंट होगा। सपोज के की वैल्यू 3 है तो थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट यानी कि 1, 2, 3, 80 हमारा थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट है ना। अगर मैं इसी ट्री को कुछ हद तक बढ़ा दूँ, सपोज मैं यहाँ छोटी वैल्यू ले लेती हूँ 45, 110 और 36, ठीक है। तो देखिए, अब मेरे को k इक्वल्स 3 के लिए अगर ढूंढना हो तो यहाँ पे आया 80, ठीक है। अब थर्ड लार्जेस्ट क्या होगी, 1, 2 और 3 यानी कि 90। तो बेसिकली मेरे को जो भी k की वैल्यू दी जाएगी उसके अकॉर्डिंग मुझे ट्री में से kth लार्जेस्ट वैल्यू ढूंढ के निकालनी है। अब मैं आपको मौका दे रही हूँ, 2 मिनट सोच के देखिए कि ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो हमने पहले किया है जिसके बेसिस पे ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो सकता है। चलिए फिर हम लोग इसको करने की कोशिश करते हैं। अगर आपको समझ आया है चाहे नहीं आया है, नहीं आया है तो भी कोई नहीं, हम लोग सोच लेंगे साथ में। देखिए, हम लोगों ने इससे जस्ट पहले एक क्वेश्चन किया है जिसका नाम है सील एंड फ्लोर ऑफ एन एलिमेंट इन जेनरिक ट्री। अगर आपने ये क्वेश्चन नहीं देखा है और इसका सोल्यूशन नहीं समझा है तो आई सजेस्ट कि आप जाइए, वो वीडियो देखिए, उस क्वेश्चन को ट्राई करिए और फिर ही इस क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है उसकी एक प्री रिक्विजिट है सील एंड फ्लोर। अगर आपको वो क्वेश्चन समझ नहीं आया है तो ये क्वेश्चन समझने में आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, इसीलिए जाइए वो क्वेश्चन समझिए और फिर इस क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। जिन लोगों ने वो क्वेश्चन कर लिया है वो मेरे साथ बने रहिए, देखते हैं। अगर मैं एक एलिमेंट ले लूं इन्फिनिटी, अगर मैं इन्फिनिटी डेटा का फ्लोर निकालने की कोशिश करूं तो मेरे पास क्या आएगा, आप बताओ। इन्फिनिटी से जस्ट छोटी वैल्यू इस ट्री में कौन सी होगी, वो वैल्यू जो इस ट्री की सबसे बड़ी वैल्यू है, राइट। तो इन्फिनिटी का फ्लोर इस ट्री के लिए 110 होगा। याद करते हैं कैसे, फ्लोर वो वैल्यू होती है जो अब उस एलिमेंट से जितनी भी छोटी वैल्यू हो उनमें लार्जेस्ट वैल्यू हो। इन्फिनिटी से छोटे तो हर एक एलिमेंट है इस ट्री में और इस ट्री का लार्जेस्ट एलिमेंट 110 है, तो इन्फिनिटी का फ्लोर हमारे पास 110 आएगा। अब मैं कहती हूँ कि मैं फ्लोर को डेटा से स्वॉप कर देती हूँ, स्वॉप भी नहीं रिप्लेस कर देती हूँ, डेटा में मैं फ्लोर की वैल्यू डाल दी। तो अब मैं 110 का फ्लोर ढूंढूंगी, ये वैल्यू थी k इज इक्वल टू 1 के लिए। अब मैं 110 के लिए फ्लोर की वैल्यू ढूंढती हूँ, इस ट्री के अकॉर्डिंग फ्लोर जो है वो 100 आएगा। कैसे आएगा वो आप लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि हम लोगों ने सील एंड फ्लोर में डिस्कस किया, ठीक है। अब फिर से मैं डेटा के अंदर फ्लोर की वैल्यू रख दूँ, 100 का मैंने फ्लोर निकाला, 90 आ गया, k इज इक्वल टू 3 तक का मैंने अपना काम कर दिया। अब k इज इक्वल टू 3 के बाद जैसे ही मैं नेक्स्ट आइटरेशन पे पहुंची, मेरे पास 90 जो है वो डेटा में है, राइट, क्योंकि मैंने फिर से डेटा और फ्लोर को स्वॉप तो कर ही दिया था। तो जब मैंने डेटा और फ्लोर को स्वॉप किया तो 90 जो है वो मेरे पास पड़ा हुआ है और 90 जो है वो ही मेरा फ्लोर की तरह रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। अब इसको कोड करके देखते हैं और फिर हम इसका एक ड्राई रन भी कर लेंगे। तो आप लोगों को अगर कुछ नहीं समझ आया है तो वापस से समझ आ जाएगा अच्छी तरह से। चलिए हम आगे बढ़ते हैं कोड की तरफ। मैंने क्या किया, मैं कह रही हूँ कि मैं सील और फ्लोर से फ्लोर का काम कर रही हूँ, तो मैं ग्लोबल फ्लोर को यहाँ पे रख लूँगी,
और मैं एक फैक्टर बना लेती हूँ जिसकी वैल्यू मैंने इन्फिनिटी रखी थी, ठीक है। मैं चलाऊंगी एक फॉर लूप, और वो कहाँ से कहाँ चलेगा, 0 से k तक, ठीक है। अब देखिए, मैंने इतनी बार k नंबर ऑफ टाइम्स मैं क्या करूंगी, सील एंड फ्लोर फंक्शन कॉल करूंगी। किसके लिए? अपनी नोड के लिए, और जो डेटा होगी उसकी जगह जाएगा फैक्टर, है ना। मैंने इन्फिनिटी के लिए फ्लोर ही मंगवाया है, तो यहाँ पर मैं फैक्टर पास कर दूंगी। फिर मैंने क्या किया था, मैं फैक्टर के अंदर अपनी मिली हुई फ्लोर की वैल्यू को रिप्लेस कर रही हूँ, है ना। तो मैंने फैक्टर के अंदर फ्लोर की वैल्यू डाल दी, और फ्लोर हर बार फिर से माइनस इन्फिनिटी से ही शुरू होगा सबके लिए, राइट। ये चीज़ आपको तभी समझ आएगी अगर आपने सील एंड फ्लोर समझा होगा। और फिर हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे अपनी फैक्टर की वैल्यू। तो पहले इसको रन कर लेते हैं, अगर ये सही हुआ तो इसका एक ट्रायल कर लेंगे। तो ये सही है, सबमिट कर लेते हैं। चलिए, सबमिट हो गया, तो यानी ये सही तो है। अब हम इसको ड्राई रन करके देखते हैं। ये हमारा कोड है, तो यहाँ पे हम इसके साथ वर्क कर लेंगे। हम लोगों ने निकालनी है kth लार्जेस्ट एलिमेंट, k की वैल्यू मैं ले लेती हूँ 3। ऑब्वियसली मेरे को चाहिए 90, जो कि हमने डिस्कस किया था। देखिए, मैंने एक वैल्यू ली फैक्टर, फैक्टर में मैंने वैल्यू डाल दी इन्फिनिटी। इन्फिनिटी के लिए मैंने आई को 0 से जब शुरू किया, तो आई कितनी बार चलेगा, 0 पे, 1 पे और 2 पे, कि के तो इंक्लूड होता नहीं, है ना। तो सील एंड फ्लोर वो करने गया, उसने उसमें क्या काम किया वो आपको आता ही है। तो यहाँ पे 0 के लिए, आई इज इक्वल टू 0 के लिए, यानी फैक्टर इन्फिनिटी के लिए मेरे पास जो फ्लोर की वैल्यू आएगी वो आएगी 110, है ना। क्या बोला, मैंने कहा कि जो फ्लोर की वैल्यू आई है वो मैं फैक्टर में रख दूँ, तो मेरे को यहाँ पे 110 आ गया, ठीक है। और फ्लोर की वैल्यू मैंने फिर से करके माइनस इन्फिनिटी रख दी। चलिए, अब क्या होगा, ये काम हमारा हो गया, ठीक है। फिर आई की वैल्यू अपडेट होगी, आई की वैल्यू बनी 1। जब आई की वैल्यू 1 आई, सील एंड फ्लोर अब हमने किसके लिए कॉल किया, फैक्टर के लिए, यानी 110 के लिए। 110 में जब हमने चलाया तो फ्लोर की वैल्यू आई 110 के लिए 100, तो फ्लोर यहाँ पे बन गया 100। फिर मैंने फैक्टर में फिर से फ्लोर की वैल्यू डाल दी, तो यहाँ 100 आ गया, और फ्लोर की वैल्यू फिर से मैंने माइनस इन्फिनिटी कर दी। तो अभी तक की हमारी वैल्यू यहाँ पे क्या पड़ी है, फैक्टर में 100 आ रखा है और फ्लोर जो है वो माइनस इन्फिनिटी हो चुका है, ठीक है। चलिए, अब आई वैल्यू 2 के लिए, तो हम लोगों ने आई इज इक्वल टू 2 पे चलाया, सील एंड फ्लोर हमने कॉल किया 100 के लिए। जब हमने किया तो फ्लोर की वैल्यू चेंज होके 90 हो गई, 100 का फ्लोर जो है वो 90 है, फैक्टर के अंदर हमने 90 रख दिया, है ना। और फ्लोर जो है वो फिर से माइनस इन्फिनिटी हो गया। तो अब जो वैल्यूज हमारे पास हैं वो हुई, फैक्टर के अंदर हमारे पास वैल्यू है 90, फ्लोर के अंदर है माइनस इन्फिनिटी। अब आई की वैल्यू जो है वो बढ़ के हो जाएगी 3, बट आई की वैल्यू 3 के लिए तो हम काम ही नहीं कर सकते, क्योंकि हम सिर्फ 0, 1 और 2 के लिए काम कर सकते थे। तो जब आई की वैल्यू 3 हो जाएगी तो हम इस लूप को एग्जिट कर देंगे, और हम क्या रिटर्न कर रहे हैं, फैक्टर। फैक्टर की वैल्यू हमारे पास 90 है, तो आंसर हमारे पास 90 आ जाएगा। इसी तरह हम लोगों ने अपना क्वेश्चन kth लार्जेस्ट एलिमेंट इन द ट्री कंप्लीट कर लिया है। तो आई होप आपको ये वीडियो और उसका सोल्यूशन समझ आया होगा। देखने के लिए थैंक यू। जो मैंने बताया था उन प्रीरिक्विजिट्स पे प्लीज़ काम करिएगा, प्रैक्टिस करते रहिए। हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।